मैं ही वो वजह हूँ जिसकी वजह से मेरे पिताजी ने अपनी जान गंवा दी। मैं एक पापी हूँ, मुझे क्या हो गया है गोपी, तुम तो बता दो। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। तुम मुझे दिलासा दे रहे हो गोपी, लेकिन जो भी कोई मुझे देखता है वो मुझसे डर रहा है। गोपी, चाहे मुझे कोई भी छोड़कर चला जाए लेकिन तुम मत जाना। गोपी, कभी नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सच में? सच कह रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हमें वो देवी के आश्रम में जाना है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। वहां जाने के बाद थोड़ी बहुत पूजा पाठ होगी बस। नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है आरती। कौन सा रास्ता बता, कौन सा रास्ता बोलना। आरती, तो तू ही चला जा। मैं उनके पास तुम्हें लेके ही जाऊंगा, उनसे मैंने वादा किया है। क्या बोला तूने आरती? क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? मैं तुम्हें यहां से मार डालूंगी। हे भगवान, किसी तरह मेरी बच्ची को बस ठीक कर दे। वो खून की प्यासी चुड़ैल नहीं बच पाएगी। जो भी वो अच्छा हो यही प्रार्थना है। यहाँ पर रख दो। ये तो वही जल्दी ले चलो, अंदर लेके चलो, देर हो रही है। तुम्हारी दुष्ट तांत्रिक देवी को क्या बिगाड़ने वाली है मेरा, मैं भी तो देखूं। जाओ जाकर बुलाओ, बुलाओ दुष्ट आरती, मैं भी देख लूंगी उसे। बुलाओ, बुलाओ तुम्हारी देवी को, बुलाओ आरती। हमें अंदर चलना है आरती, अंदर चलो। मैं कह रही हूं ना, बुलाओ, जाओ बुलाओ। अच्छा तो ये है, और नजदीका वहां क्या खड़ी है? हाँ, माणिकपुर परिवार में दाखिल होने वाली वेश्या है तू, गंगा, है ना? मैं ही हूँ वो। Ah
यमगंड भैरवा, आज अमावस्या है और तू मुझे मिटाने का सोच रही है। मुझे मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। वो देख, तुम एक चुड़ैल आत्मा हो गंगा, तुम इस मासूम बच्चे के शरीर से जाओगी कि नहीं? नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मुझे यहाँ से कुछ लोगों को लेकर जाना है। उस परिवार की आखिरी वारिश उन्नी कृष्णन को भी तुम अपने साथ ले गई। जलाया था उसके साथ मुझे और क्या करना चाहिए? हाँ, तुझे इस शरीर को छोड़ना ही होगा। तुम्हें आरती को छोड़ना पड़ेगा बिना कोई हानि पहुंचाए। इसे तो मैं लेकर ही जाऊंगी। तू चली जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी। देखो, मैं एक बार फिर तुमसे पूछ रहा हूँ, वरना तुम्हें मिटाने वाले इस अखंड पाठ का मैं गवाह बन जाऊंगा। तुम आरती के शरीर को छोड़कर जाओगी कि नहीं? मैंने कहा ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। स्वामिनी, इस दुष्ट आत्मा से बात करके कोई फायदा नहीं। अब तो जो भैरव की इच्छा। पुनर्जन्म की तरह लग रहा है। इस बच्चे के पूर्वजों ने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो बुरी आत्मा इसके शरीर से चली गई। अब वो बुरी आत्मा आरती को कभी परेशान नहीं करेगी। आप लोग इसे ले जा सकते हैं। आरती, 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 चलो, चलो आरती। इस बच्ची को इस आश्रम से जल्दी से ले जाओ। चलो जल्दी करो, यहाँ से जल्दी निकलना है। चलो, अब डरने की कोई बात नहीं है। देख,
सबने आवाज सुनी देवी? देवी 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 चलो क्या हो गया है भगवान देवी ये क्या हो गया देवी हमें छोड़कर चली गई